ठीक है फ्रेंड्स, ये आज मैंने आंवले का मुरब्बा बनाया है। आज मैं आपको ये बनाना दिखाऊंगी। देखिए कितना ब्यूटीफुल और कितना टेस्टी है, बहुत ही यम्मी टेस्टी यम्मी और टेस्टी है। और बहुत ही हेल्दी आसान भी। तरीका है और इससे बहुत सारे बेनिफिट्स है। इसकी इससे स्किन और हेयर ग्रोथ में बहुत बेनिफिट है। आंवले का मुरब्बा बनाएंगे। इसके लिए हमने इसको आंवले को बॉईल करने रख दिया है। हम इसे बॉईल होने तक पकाएंगे। ये देखिए हमारे आंवले को 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको ढक्कन खोलकर चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब हम इन्हें इस तरह से फॉक से चेक करेंगे। ये देखिए हम इसमें से एक बाहर निकाल लेंगे चेकिंग करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इन्हें बाहर निकाल लिया है। ये देखिए ये टूटने लग गए हैं। इसका मतलब ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट, बहुत अच्छे से बॉइल्ड हो चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कट्स हो चुके हैं। अब हम इसका गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, हमने गैस पर लो फ्लेम पर बॉइल चढ़ा दिया है वाटर 1 कप इस कप से, और इतने ही हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें इलायची डाल दी है 1। अब हम इसे धीरे से हिलाएंगे। फ्रेंड्स, हम इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से हम इसको चलाते जाएंगे। हम इसे शक्कर घुलने तक पकाना है। ये देखिए, हमने इनको एक प्लेट में निकाल दिए हैं। अब ये थोड़े ठंडे हो चुके हैं। अब हम इनकी इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमें इनकी कलियां अलग कर लेना है और ये इनके बीज अलग कर लेना है। इसमें बॉईल आ गया है। अब हम हमारे इसमें आंवला डालेंगे। हमने इनके फाके कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से एक एक पीस अलग कर लिए हैं। हमें चाशनी में डाल देंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे और इसमें हल्का ब्राउन गोल्डन होने तक पकाएंगे इसको चाशनी में, जिससे ये चाशनी एब्जॉर्ब कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। हमने इसको ढक दिया है थाली की हेल्प से। अब हम इसे 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। बीच बीच में चेक कर लेंगे। हमने इसका ढक्कर हटा दिया है। हमने इसको ढक दिया है थाली की हेल्प से। अब हम इसे 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। बीच बीच में चेक कर लेंगे। हमने इसका ढक्कर हटा दिया है। ये बिल्कुल पक चुका है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए, अब हम इसको हल्का ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसको सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हम इसको सर्व कर रहे हैं। इस तरह से हम पूरा एक कढ़ाई में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मुरब्बा बनकर रेडी है। ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी है। ये देखिए, हमने इसकी पूरी चाशनी भी तोड़ दी है। कितना प्यारा लग रहा है। हमने इसकी चाशनी पूरी ड्राई कर ली। देखिए, इस वीडियो के लिए एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।